पृथ्वी और आकाश, जंगल और मैदान, झीलें और नदियां, पहाड़ और समुद्र, ये सभी उत्कृष्ट शिक्षक हैं और हमें इतना कुछ सिखाते हैं जितना हम किताबों से भी नहीं सीख सकते। पृथ्वी फूलों में हंसती है, हर फूल प्रकृति में खिली आत्मा है। वो सबसे धनवान है जो कम से कम में संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि प्रकृति की दौलत है। दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपनी खूबसूरत प्रकृति के साथ कैसा खिलवाड़ किया, जिससे प्रकृति अपने आप को रीसेट करने में लग गई और उसने कई महामारियों को पैदा किया। ये उसी का नतीजा है जो आज हम झेल रहे हैं। हमारी संपूर्ण आर्थिक समृद्धि छोटे सूक्ष्म जीवों द्वारा मिटा दी जा सकती है। कोरोना वायरस महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सामूहिक विकास और समृद्धि को परिभाषित करने का सही समय है। दोस्तों, पिछले दो दशकों में सार्स, मर्स, एबोला, निपाह और अब कोरोना वायरस ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज को हिला दिया है। प्रकृति रीसेट बटन दबा रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं भारी गिरावट की स्थिति में हैं। वायरस के प्रकोप का ये प्रकार और पैमाना हमारे जीवन काल में अपनी तरह का पहला है। दोस्तों, क्या कभी हमने इससे पहले ये सोचा कि आज जो हम अपने पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं उससे ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है? शायद नहीं, पर अब यही समय है कि हम सभी समझ जाएं कि हमें हमारे पर्यावरण को बचाना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो आगे ना जाने कैसी कैसी समस्याएं पैदा होंगी। हमने हमारे हितों के लिए सुंदर जंगलों को काटा और वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, जिसके लिए लाखों करोड़ों पेड़ों की बलि दे दी। हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हमने हमारे घर बसाने में कितने बेजुबान जानवर और पक्षियों के घर उजाड़ दिए, जो कि हमारे पर्यावरण के रक्षक हैं। आज हमने हमारी सुविधाओं के लिए हमारे चारों तरफ मोबाइल टावर के जाल बिछा दिए हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इनके रेडिएशन से पर्यावरण को क्या नुकसान होगा या उन छोटे छोटे जीवों पर क्या असर पड़ेगा जो हमारी प्रकृति ने अपनी सुरक्षा के लिए उत्पन्न किए थे। सोचिए, जब आप किसी तनाव में होते हैं तो तनाव मुक्त होने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगह पर समय गुजारना पसंद करते हैं। प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है, पर हमने उसे क्या दिया? हमने तो बस उसको उजाड़ा ही है। दोस्तों, जरा सोचिए, खूबसूरत जंगल और उसमें रहने वाले खूबसूरत जीव जो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, जो प्रकृति के चक्र को बखूबी चला रहे हैं, खूबसूरत झरने, नदियां, हरियाली जिससे हम जिंदा हैं, हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है और प्रकृति ने हमें बेहद ही अनमोल उपहार दिया है जिसका नाम है ऑक्सीजन। वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हमारा भी कोई वजूद नहीं होगा। तो दोस्तों, अब जरूरत है इन्हें बचाने की और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की। जैसे हमने जंगल काटकर और जानवरों को मारकर अपनी बस्तियां और शहर बसाए हैं, उसी तरह अब प्रकृति को भी उसके पुराने स्वरूप में लाना होगा और उसकी रक्षा भी करना होगी। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने कुछ ही दिनों पहले देखा है, लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मर रहे थे और हम ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उसके लिए हजारों लाखों रुपए देने के लिए भी तैयार थे, पर प्रकृति तो हमें ये फ्री में देती है। इसलिए दोस्तों, हमें इन महामारियों से अपने आप को बचाना है तो प्रकृति को बचाना ही होगा। हमें खूबसूरत जंगल, नदियां, जानवर, पक्षी और अन्य जीवों की रक्षा करनी होगी ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे और हम भी इन विपत्तियों से बचे रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथों में है।
सेव नेचर सेव लाइफ, हमारे इस खूबसूरत घर को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और हमारी पृथ्वी को भी सुरक्षित रखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।